जय श्री राम आप सभी को। आंवला नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस व्रत को अक्षय नवमी के पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आंवले की पेड़ की पूजा की जाती है और विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से साधक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है एवं व्रत रखने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है। इस साल वर्ष 2024 में इस तिथि की शुरुआत 9 नवंबर को रात्रि 10:45 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 10 नवंबर को रात्रि 9:01 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस साल यह व्रत 10 नवंबर को मनाया जाएगा। द्वापर युग की शुरुआत आंवला नवमी के दिन ही हुई थी, इसीलिए इस दिन का बहुत महत्व है। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। उन्होंने अपनी बाल लीलाएं त्याग कर कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी प्रारंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी यदि साथ में रखें तो उन्हें इसका दोगुना शुभ फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवला वृक्ष के समीप जाएं, उसके आसपास साफ सफाई करके उसकी जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें एवं उसके बाद कच्चा दूध अर्पण करें। फिर वृक्ष की पूजा करें एवं उसके तने पर कच्चे सूत या मौली से 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती हैं। आंवला नवमी की कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार जगतगुरु शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीब और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ नहीं है जो मैं आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्त्रोत के श्लोक थे। इस स्त्रोत से प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने उन्हें दिव्य दर्शन दिए और कहा कि शंकराचार्य, इस औरत ने अपने पूर्व जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। ये अत्यंत कंजूस थी और मजबूरी वर्ष कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो बुरे मन से देती थी। इसीलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई है। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसीलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। गुरु शंकराचार्य बोले, हे महालक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान कर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूर्ण श्रद्धा से मुझे ये सूखा आंवला भेंट किया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात को सुन देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया में स्वर्ण के आंवलों की वर्षा कर दी। जय हो लक्ष्मी मैया की, जय हो विष्णु भगवान की।